हैदराबाद के मैनादुपल्ली पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लिया है। यह जानकारी शमसाबाद डीसीपी पीवी पद्मजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी साझा की है। पुलिस ने बताया है कि खुफिया जानकारी के तहत इन चारों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। ये चारों आरोपियों पर आरोप है कि ये लोग क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते थे और गैर कानूनी ढंग से पैसों का लेन देन भी किया करते थे। चारों आरोपियों का नाम पी अदिन नारायण, ए राजेश, पी रघुनाथ रेड्डी और पी वी वेंकट रेड्डी बताया जा रहा है। छापेमारी के दौरान हिरासत में लिए गए आरोपियों के पास से एक लैपटॉप, 6 मोबाइल फ़ोन, एक बाइक और 10,30,000 रुपये के नकद बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारा पुलिस टीम लेड बाय हमारा जगदीश्वर SHO महिला के ऊपर ली, उनके SI जलंधर और टीम सिराज कांस्टेबल वगैरह एक पुलिस स्टेशन के सामने एक घर है दुर्गानगर, उसमें SHS को गए तो एक क्रिकेट बेटिंग का एक इंफॉर्मेशन से सर्चेस करे तो उधर दो लोग मिले। उन लोगों का हरी बोल के एक है आदिनारायण अलियास, हरी बोल के एक है, दूसरा एक राजेश बोल के एक है। ये दोनों से थोड़ा कैश रिकवरी हुआ और बाद में उनका लीड से और दो लोगों को मिला है, उन्हें एक राजेश्वर रेड्डी है और एक वेंकटेश्वर रेड्डी है। ये चार लोगों से लगभग 10,30,000 रुपये सीज किया है और उनके साथ में 6 सेलफोन्स, एक लैपटॉप लेनोवो और उसका पूरा जो क्रिकेट बेटिंग का क्या है प्रोसीजर वगैरह वगैरह पंचास को लेके, पंचायत दर्ज को लेके उनके सामने पूरा पंचनामा किया। ये पूरा करने के रात में 1 बजे बज गई और बाद में केस रजिस्टर करके वो चार लोगों को गिरफ्तार किया। ये क्या है क्रिकेट बेटिंग में क्या है, एक क्रिकेट बस बॉल के एक ऐप है, वो सेल फोन में ऑनलाइन चलते रहता है, उस हिसाब से लैपटॉप में उन्हें लोगों को कॉन्टैक्ट करता है, कॉन्टैक्ट करके वो लोग जैसे जैसे इन्वेस्ट करता है उन लोगों से पैसा इन लोग पाते। सो ये पूरा करने के लिए हमारा पुलिस टीम को स्पेशली जगदीश्वर और राज जलंधर उनका टीम सिराज वगैरह को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं और अच्छा रिवॉर्ड भी दे रहे हैं। और लोगों को ये गुजारिश है कि ऐसा बेटिंग एक्टिविटीज़ में जाने का रोकने का अच्छा है, या गए तो क्या है पूरा पैसा वेस्ट हो जाता है और फैमिली का भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो नहीं गए तो अच्छा है, ये हमारा पुलिस का सोचा। सर इन लोग फ्रेश है, पहले भी कुछ केसेस है? पहले तो अभी इससे पहले केसेस क्या है, अभी तक तो इंट्रोगेशन चल रहा है, अभी वो तो अगर दूसरा केस आए तो वो भी इसमें रिमांड केस डायर में उसका उसको करेंगे। थैंक यू।